नाइन्थ वीडियो में हम लोगों ने आपको आठ नंबर के बारे में समझाया था। अब एक हम मल्टीप्लिकेशन में नंबर सिस्टम समझाएंगे। मान लीजिए आपका यहाँ पर वापस मैं पद लिख रहा हूं कि वन टू थ्री फोर फाइव और एन एन प्लस वन एन प्लस टू और एन प्लस थ्री, मतलब मैंने नेचुरल नंबर लिखे हैं। क्या लिखे हैं? नेचुरल नंबर। अब ध्यान दीजिए यहां पर कि एक जब हम दो के होम पर जाना चाहता है, कहां जाना चाहता है, तो पहला पद तो इसका वनी रहेगा, बस सेकेंड टर्म, क्योंकि होम पर जाना चाहता है तो सेकेंड टर्म आपका, पहला टर्म किसके यहां चला गया, सेकेंड टर्म वहां पे चला गया, तो इसका सेकेंड टर्म हो गया वन इंटू टू, वन इंटू टू। अब एक और दो मिलकर तीसरे के होम पर जाना चाहते हैं, तीसरे के घर पर जाना चाहते हैं, तो अब यहां पर ये दोनों तीन के घर आए तो आपका टर्म तीसरा जो है वो वन टू और थ्री हो गया। कौन सा पद हो गया? ये तीसरा। ये कौन सा है? दूसरा। ये कौन सा है? पहला। तो एक कहां गया? दो के होम पर। एक और दो मिलकर तीन के होम पर गए। अब ये एक दो तीन मिलकर चार के होम पर जाना चाहते हैं। कहां जाना चाहते हैं? चार के। तो पद चौथा क्या हो गया? वन टू थ्री। पूर्व में सही थे, किसके घर गए हैं? चार के घर गए हैं। तो हम आपका अब इन चार मिलकर पांचवें के घर पर जाना चाहते हैं, पांचवें पद पर जाना चाहते हैं, तो आपका पांच तो ये है ही, इनके घर कौन आ रहा है? तो आपको वन आ रहा है, टू आ रहा है, थ्री आ रहा है, फोर आ रहा है, फाइव है, पहले से ही है। तो इस प्रकार से अब इसका एनवा पद के बारे में हम क्या लिख सकेंगे? तो आप कहोगे सर जी यहां तो एन आपका आएगा ही, पर इसके पुराने वाले पद क्या आएंगे? वन टू थ्री डेड एड एस, और इसके पहले वाला पद एन माइनस वन और एनवा पद, ये एनवा पद बन गया। अब ये सारे मिलकर किसके यहां जाना चाहते? एन प्लस वन के। तो एन प्लस वन अपन ने ये रेड से लिख दिया, क्योंकि देखिए एन प्लस वन लिखा हुआ है। तो अब ये सारे के सारे कहां आएंगे? इसके घर पे आना चाहते हैं, इसके होम पर आना चाहते हैं। तो अगला टर्म क्या बन गया? अगला टर्म बन गया वन टू थ्री डेड एस इंटू में एन माइनस वन और एन। तो आप अब स्वयं ही बता देंगे कि सर जी अब तो हम ही बता देंगे कि एन प्लस टू वाला पद क्या होगा। तो आपने रेड से एन प्लस टू लिख दिया, आपने रेड से क्या लिख दिया? एन प्लस टू लिख दिया। और ये पुराने मेंबर्स, पुराने मेंबर, ध्यान दीजिए, एन प्लस वन के मेंबर किसके होम पर आना चाहते? एन प्लस टू के। तो क्या हो गया? वन टू थ्री डेड एड एस एन माइनस वन एन एन प्लस वन। तो अगला पद आप खुद ही बना सकते हैं। अब
यह वीडियो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहां पर एक चर्चा करना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि एक एग्जांपल के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं कि मान लीजिए यहां पर वन है और यहां पर आपका वन इंटू टू एक्स है, यहां पर आपका अगला पद वन टू वन इंटू टू इंटू थ्री एक्स है। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, यहां पर स्क्वायर हो गया है और चौथा पद क्या है इसका वन टू थ्री और फोर और एक्स की पावर कितनी तो डायडस गोज टू इनफिनिटी तक जाना चाहता है। और आपसे कहा जाए कि इसका एनवा पद निकालिए, आपको क्या निकालना है एंथ टर्म निकालना है, एनवा पद निकालना है। तो एनवा पद आप कैसे निकालेंगे, एनवा पद आप बड़े आसानी से निकाल लेंगे। आप कहोगे सर जी ये एनवा पद जैसे आप देख रहे पहले पद में दूसरे में वन टू वन टू थ्री, तो आप कहोगे सर जी पहला एनवा पद तो वन टू डॉट थ्री डेड डेस एन माइनस वन और एन ये हो गया। अब हम देख रहे हैं यहां एक्स की पावर जीरो लिख सकते हैं, यहां एक्स की पावर एक है, दूसरे पद में एक्स की पावर कितनी है ये वन और तीसरे पद में एक्स की पावर क्या हुई है दो और चौथे पद में तीन, तो एक कम आ रही है तो यहां एक्स की पावर क्या हो जाएगा एन माइनस वन। अगर आपका पता लगाना कि हमने सही लिखा कि नहीं तो एन की जगह वन रख लीजिए, वन में से बन गया जीरो, देखिए पहला पद वन। आपको दूसरा पद सही लिखा कि नहीं तो एन की जगह बोल दीजिए आप दो बोल दीजिए, दो में से गया देखिए एक्स की घात वन। आपको तीसरे पद में एक्स करे तो तीन बोल दीजिए। ये आपने देखा एक उदाहरण द्वारा हमने इस बात को समझाया। यह वीडियो आपको कैसा लगा इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो जरूर कर लीजिए। मित्रों हम बहुत ही सरल भाषा में कार्य को करना चाहेंगे, मैथ्स बहुत आसान है हार्ड नहीं है। धन्यवाद।